कपटी मित्र न कीजिए, पेट बैठ बुद्धि लेत, आगे राह दिखाए के पीछे धक्का देत। इस दोहे को समझाने से पहले मैं एक कहानी शेयर करना चाहूंगी आपके साथ। राहुल और राजू दो दोस्त थे। राहुल हमेशा राजू की हेल्प करता, उसका सारा होमवर्क करता और हमेशा उसे कुछ ना कुछ अच्छी बातें, ज्ञान की बातें बताता रहता। और जब भी राजू किसी प्रॉब्लम में होता तो राहुल वो पहला इंसान होता जो उसके पीछे खड़ा रहता उसकी हेल्प करने के लिए। एक दिन राजू ने कहा कि पास वाले गांव में एक मेला लगा है, चल वहां चलते हैं। राहुल ने कहा, नहीं नहीं, बीच में एक जंगल आता है। राजू ने कहा, अरे हम दोनों है ना, तुझ पे कोई प्रॉब्लम आई तो मैं साथ दूंगा, मुझ पे कोई प्रॉब्लम आई तो तू देख लेना, आखिर दोस्त होते क्यों है। राहुल ने कहा, ठीक है। उसी विश्वास को देखते हुए वो दोनों चल दिए। जब रास्ते से जा रहे थे तब जंगल के बीच में उन्हें एक भालू दिखाई देता है, एकदम खूंखार। ये देखकर राजू बहुत डर जाता है और खुद को बचाने के चक्कर में राहुल को धक्का मारते हुए भागकर एक पेड़ पर चढ़कर बैठ जाता है। जब तक राहुल उठ के भाग सके तब तक भालू काफी पास आ चुका था। तो उसे एक तरकीब सूझी, क्योंकि भागने का चारा उसके पास था नहीं, तो वहां बेहोश होने का नाटक करता है, अपनी सांसें रोक लेता है। और उसकी किस्मत अच्छी थी कि भालू भी वहां से बस उसके आसपास घूमकर चला गया। अब उसके जाने के बाद वो उठता है, राजू नीचे उतरता है और आकर राहुल से पूछता है कि अरे मैंने देखा वो भालू तुम्हारे आसपास घूम रहा था, तुम्हारे कान के पास कुछ कह रहा था क्या। राहुल ने कहा, हाँ वो कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। राजू कहता है, क्या बात कर रहे हो, क्या कहा उसने। राहुल ने कहा, उसने कहा कि तुम जैसे दोस्त से मुझे दूर रहना चाहिए। इस दोहे में भी कबीर दास जी यही कहना चाहते हैं, ऐसे दोस्त मत बनाइए जो आपके साथ सिर्फ इसीलिए हैं कि उनका फायदा है, उनके सारे काम हो रहे हैं, पर आपकी जिंदगी में उनके रहने से कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। क्योंकि दोस्ती कृष्ण और अर्जुन में भी थी और कर्ण और दुर्योधन में, लेकिन उनकी दोस्ती में और कृष्ण और अर्जुन की दोस्ती में इन दोनों में एक बहुत बड़ा फर्क था। क्या? एक तरफ दोनों दोस्त एक दूसरे का भला चाहते थे और दूसरी तरफ एक सही था और दूसरा बस उस सही का इस्तेमाल कर रहा था। इसीलिए कर्ण सही होने के बावजूद भी हार जाता है और अर्जुन जीत जाता है। दोस्ती हमेशा उनसे करिए जिनसे आपकी सोच मिलती है। काम भले ही ना मिले पर सोच मिलनी चाहिए। अगर आपके लिए जो सही है वो उसके लिए गलत है तो ये दोस्ती ज्यादा दिन तक नहीं चल सकती। इसीलिए दोस्तों को बहुत सोच समझकर परख कर बनाएं कि ऐसा ना हो वक्त आने पर वो गलत दोस्त आपको धक्का देकर चला जाए।